तो आज के सेशन में हम लोग कोलिजन की बात करेंगे, जो कि सेंटर ऑफ मास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स की लैंग्वेज में कोलिजन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ये पार्टिकल आया और दोनों भिड़ गए। सिर्फ इसी को फिजिक्स की भाषा में कोलिजन नहीं कहा जाता है। कोलिजन में इनफैक्ट यहां पर अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच भी कर रहे हैं तो भी हम उसको कोलिजन का नाम देते हैं गाइस, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसको इस टॉपिक को पूरा फुल डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे मैं कॉन्सेप्ट लिख भी रहा हूं, आप लोग चाहें तो मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हैं। इफ पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच भी कर रहे हैं, इफ पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, कोलिजन हैपेंस। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच भी कर रहे हैं तो भी फिजिक्स की लैंग्वेज में हम उसको कोलिजन कंसीडर करते हैं। अब बात इतनी सी आई कि जब भी कोलिजन होता है तो वहां पे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो बेटा कोलिजन के समय दो तरह का मैकेनिज्म वहां पर हो सकता है। सबसे पहला यह हो सकता है कि एन इम्पल्स इज एक्टिंग। पहला क्या मैंने आपको बताया कि वहां पर एक इम्पल्स एक्ट कर रहा है, एन इम्पल्स एक्ट्स ऑन ईच पार्टिकल, जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं उन पर इम्पल्स लग रहा होगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इम्पल्स के बारे में बताया था, आज मैं उसी को और थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज आज मैं पूरी सब कुछ लिखवा भी रहा हूं, ठीक है? दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्या हो सकता है, क्या प्रोसीजर हो सकता है, टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन कंजर्व्ड। तो पहला क्या हुआ कि या तो वहां पर कुछ इंपल्स होगा, और मैं आपको याद दिलाऊं तो कल मैंने आप लोगों को कहा था कि जो फोर्स होता है हमारा वो न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है बच्चों। तो F इंटू डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी पी लिख सकते हैं, और अगर इसी को दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाए तो इंटीग्रल F डी टी जो है वो हमारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम बन जाता है। तो यही इंटीग्रल F डी टी जो है इसी को हम लोगों ने बच्चों इम्पल्स का नाम दिया था, दिस इज नोन एज इम्पल्स। तो या तो वहां पर कुछ इम्पल्स होगा, और कुछ इम्पल्स होने का मतलब डेल्टा पी हमारा जीरो नहीं है, है ना? अगर इम्पल्स की कुछ भी वैल्यू है तो डेल्टा पी इज नॉन जीरो। डेल्टा पी नॉन जीरो होने का मतलब देयर विल बी चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और सेकंड में आपसे क्या कहा गया है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कंजर्व्ड, मतलब वहां पर जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। मोमेंटम कंजर्व्ड होने का मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। तो सीधी सी बात है, या तो मोमेंटम में चेंज हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा, और हम लोगों ने बच्चों दोनों ही कॉन्सेप्ट को यहां पे कंसीडर कर लिया है, क्लियर है? तो इस तरह से मैकेनिज्म जो है अगर आप देखोगे कोलिजन का तो दो तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए इन्हीं चीजों को और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो एक थम्सअप भाई बनता है, जल्दी से एक बार आप थम्सअप कर दीजिए। इसी कोलिजन को मैं और भी दूसरे फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या, कि कोलिजन इज इनफैक्ट redistribution of total momentum of particles। तो ये क्या है, इट इज बेसिकली द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मोमेंटम। जो टोटल मोमेंटम होगा वो दोनों में क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आइए और डिटेल में चलते हैं और इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो कोलिजन का अगर हम लोग टाइप्स देखें तो सबसे पहला जो एक इसकी कैटेगरी आती है वो कैटेगरी में ध्यान से बच्चों देखिएगा, सबसे पहली कैटेगरी है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहली क्या है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब बच्चों ये है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा और फिर वापस एकदम सेपरेट हो जाएगा। इट मींस देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। पार्टिकल में सिस्टम में कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है इसमें, ठीक है? तो इलास्टिक का मतलब क्या है, पार्टिकल्स कम टू देयर ओरिजिनल स्टेट। क्या मैंने बताया, पार्टिकल्स कम टू देयर ओरिजिनल स्टेट, इलास्टिक कोलिजन का मतलब, ठीक? और इलास्टिक कोलिजन में बच्चों मोमेंटम एंड एनर्जी
मोमेंटम भी और एनर्जी भी, ये दोनों ही चीजें कंजर्व्ड होती हैं, दोनों ही चीजें कांस्टेंट होती हैं। सो इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल बी कंजर्व्ड। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ही यही होता है, पार्टिकल्स डू नॉट कम टू देयर ओरिजिनल स्टेट, पार्टिकल्स वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आते हैं, पार्टिकल्स डू नॉट कम टू देयर ओरिजिनल स्टेट इन इलास्टिक कोलिजन में। और बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, नथिंग एल्स, सिर्फ मोमेंटम यहां पर कंजर्व होगा, एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होगी। एनर्जी कंजर्व ना होने का मतलब यह भी है कि देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या है, कुछ यहां पर परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो गया है, देयर इज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। एनी डाउट गाइस, क्लियर है सभी को? आइए, ये तो हमारा पहला कैटेगरी था, अब मैं आपको दूसरे कैटेगरी पर ले चलता हूं। दूसरी कैटेगरी है बच्चों हेड ऑन, ये इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, इलास्टिक इन इलास्टिक तो इंपॉर्टेंट है ही, बट हेड ऑन एंड ऑब्लीग कोलिजन। तो ऑब्लीग कोलिजन जो है वो नॉर्मल जो आपका सिलेबस होता है स्कूल का उसमें कंसीडर्ड नहीं किया जाता है, वहां पर ये आउट ऑफ सिलेबस माना जाता है, बट जेई में ऑब्लीग कोलिजन पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं आज ही आपको कराऊंगा और पूरी तरीके से ये कोलिजन मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लीग कोलिजन ये दो पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके इन दोनों को भी एक्सप्लेन करता हूं। हेड ऑन कोलिजन का मतलब है बेटा कि जस्ट कोलिजन होने से पहले दोनों पार्टिकल्स के इंपल्स का डायरेक्शन अगर एग्जैक्टली सेम है, ठीक, मतलब वो दोनों अगर एक ही लाइन में हैं, तब हम लोग कहेंगे कि कोलिजन कैसा है, हेड ऑन कोलिजन है। मींस एक पार्टिकल इधर से आया, एक पार्टिकल इधर से आया, और ऐसे सामने सामने से ऐसे अगर टकराया तो इसका इंपल्स इधर की तरफ है, इसका इंपल्स इधर की तरफ है, तो एक लाइन में इंपल्स है ना? तो क्या कहा जा रहा है इसमें, एट इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, एट इंस्टेंट ऑफ कोलिजन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आर अलोंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स। क्या मैंने बताया आपको, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, कोलिजन के समय द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स। जिधर की तरफ लाइन ऑफ एक्शन है इंपल्स का, उसी की तरफ अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। आइए अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द ऑब्लीक कैटेगरी, ठीक, ऑब्लीक कोलिजन। ऑब्लीक कोलिजन को ही इनडायरेक्ट कोलिजन भी कहा जाता है, हेड ऑन को बच्चों डायरेक्ट कोलिजन भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो भाई तो आप लोग एक थम्स अप कर सकते हैं। ऑब्लीक कोलिजन का मतलब, इफ मेरे साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इफ जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट पहले एटलीस्ट वन ऑफ पार्टिकल वॉज, कोलिजन के जस्ट पहले वन ऑफ द पार्टिकल वॉज मूविंग इन सम अदर डायरेक्शन, है ना, जो मैं पहले ही समझा चुका हूं, मूविंग इन डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्सेस, द कोलिजन इज सेड टू बी ऑब्लिक कोलिजन। अब बहुत ध्यान से समझिए दोनों को। देखो इलास्टिक इन इलास्टिक तो बहुत सिंपल था, अगर पार्टिकल्स वापस अपनी कंडीशन में आ जाते हैं तो इलास्टिक, कुछ परमानेंट डैमेज हो जाता है तो इन इलास्टिक। हेड ऑन में क्या था कि कोलाइड करने से जस्ट पहले अगर दोनों का जो वेलोसिटी है अगर वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंपल्स की डायरेक्शन में है तो मामला ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या था कि इफ जस्ट बिफोर द कोलिजन एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टिकल्स वॉज मूविंग इन सम अदर डायरेक्शन देन द लाइन ऑफ इंपल्स। एक का लाइन ऑफ इंपल्स ऐसा है, टेंजेंशियल ऐसा है, और दूसरे का मान लो ऐसा हो, तो ऐसे में क्या है, अगर दोनों का
जो इम्पल्स का डायरेक्शन है अगर वो अलग अलग है तो आप इस तरह के कोलिजन को बच्चों क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट और ऑब्लीग कोलिजन। आई होप आई एम क्लियर इन दिस पॉइंट।